हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और बहुत अच्छे से होंगे। और आज आप इंतजार कर रहे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट टू का। और पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन मैंने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था, और यदि आपको पार्ट टू देखना है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप पार्ट वन देखें, पार्ट वन को पूरा स्टडी करें, समझें उसको, उसके बाद आप मेरे पार्ट टू के ऊपर वीडियो को देखें। क्योंकि पार्ट टू तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट वन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और पार्ट वन में बहुत अच्छा आपको डिस्कशन मिलेगा, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट टू। और पार्ट टू में पहले आज हम शुरुआत करते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन बेटा देखिए, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो डी ऑर्बिटल से होती है, डी ऑर्बिटल। अब बच्चे कहते हैं सर क्या पांच ओरियन डी ऑर्बिटल जो होते हैं, जो डी सबशेल है उसमें पांच ओरिएंटेशन होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो मैं आपसे कहूंगा डी जेड स्क्वायर को छोड़ के सारे जो डी ऑर्बिटल हैं, चार ओरिएंटेशन है, चारों डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड्स? योर आंसर इज डी जेड स्क्वायर। ओके, अब बेटा मैं इसको थोड़ा बताता हूं कैसे। बेटा अब हम बात कर रहे हैं डेल्टा, और ये बेटा मैंने लिया है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, एंड दिस इज द डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। ओके, यहां पर आपके पास ये जो डी एक्स वाई और डी एक्स वाई मिलकर किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, दिस इज डेल्टा। ओके, इसमें क्या बेटा सेम फेज कॉम्बिनेशन है। यदि आप इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिनेशन करिए कि एक आप इधर से और एक ये इस तरीके से, और आमने सामने जैसे ए ये बिल्कुल ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये इससे कॉम्बिनेशन देख रहा है, यहाँ इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यदि हम ऐसे देखें, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्योंकि आपके पास दो रिंग बन रहे हैं, दो रिंग हैं, एक रिंग जो है आपका एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पर है। तो इसके अंदर जो नोडल प्लेन बनेंगे बेटा वो देखने में तो एक लग रहा है, लेकिन दो नोडल प्लेन आते हैं। नोडल प्लेन इज इक्वल टू टू, और बेटा इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्बिटल बन रहा है, दिस इज द डेल्टा एक्स वाई जीरेड, इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स वाई जीरेड। यहां पर बेटा माइनस कॉम्बिनेशन कर रहा है प्लस के साथ, प्लस कॉम्बिनेशन कर रहा है माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, प्लस माइनस के साथ, एंड दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज प्लस माइनस, एंड दिस इज माइनस, एंड दिस इज प्लस। तो इसके अंदर भी बेटा नोडल प्लेन यहां भी मुझे ऐसा लग रहा है दो बन रहा है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती, जिससे कि ये अनजीरेड ऑर्बिटल बनेगा। एक चीज़ और बेटा, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, शायद मैं नोडल प्लेन की संख्या एक दो और एक बेटा इन दोनों के बीच में से यहाँ, तो नोडल प्लेन इसमें होने चाहिए तीन। नोडल प्लेन यदि तीन है तो ऑड नंबर में है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे अनजीरेड। तो ये है बेटा डेल्टा बॉन्ड। और हमारे से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आपको पढ़ाता हूँ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है। देखिए बेटा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ये एल सी ए ओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अनुसार, जहाँ सेम फेज और अपोजिट फेज ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन एक साथ होते हैं, उस तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें नॉन बॉन्डिंग कहा जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं हमें, ये देखिए जैसे ये एस ऑर्बिटल है, दिस ए ये, और ये आपका पी ऑर्बिटल है, दिस इज प्लस माइनस, और ये आपस में इनमें कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, दिस इज प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस।
तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन है सेम फेज और ये अपोजिट फेज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कि जो ये कॉम्बिनेशन और ये दोनों इक्वल है और अपोजिट हो गए तो कैंसिल आउट कर दिया, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होती। और इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा इसमें क्वेश्चन आता है कि सर नॉन बॉन्डिंग यानी कि जहां जिस कॉम्बिनेशन से कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन है मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे ये है एस ऑर्बिटल और ये मेरे बेटा डी एक्स वाई, दिस इज प्लस 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 एंड दिस इज प्लस प्लस माइनस माइनस। अब बेटा इसमें हमारे पास दिस इज प्लस 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 और ये प्लस अब माइनस माइनस प्लस। तो बेटा यहां देखिए ये सेम कॉम्बि फेज है और ये अपोजिट फेज है, तो इसका मतलब यहां भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होगी, यानी कि इस बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि इससे कोई ऑर्बिटल बनने वाली नहीं है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नॉट जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो बेटा वो हम इस तरीके से आंसर देते हैं। चलिए ये आपका पी सपोज दिस इज पी एक्स एंड दिस इज सपोज पी वाई, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस दिस इज माइनस प्लस एंड माइनस, और ये बेटा दोनों में अपोजिट कॉम्बिनेशन, यहाँ भी मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। चलिए बेटा ओके, अब सीखेंगे हम आपको सिखाएंगे वो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो ऑर्बिटल्स आपने बनाई हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम लोग सीखेंगे कि इन ऑर्बिटल का एनर्जी एनर्जी लेवल्स, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से रूल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलिंग में हेल्पफुल होंगे। कुछ बेसिक चीज़ें छोटी चीज़ें बेटा मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे पास जो बी टू है सी टू है एन टू है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर और इन मॉलिक्यूल्स में O2 है F2 है NO है CO है ये सब एटसेट्रा। यहां पर बेटा बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस केस में 2s और 2p में कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, यानी कि 2s और 2p ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पिछले पार्ट वन लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन यहां बेटा इन केसेस में 2s और 2p कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, और बेटा मैंने वहां बताया था कि यहां इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E इज वेरी लेस, जबकि यहां 2s 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इज वेरी हाई, वो काफी हाई होता है। ओके अब बेटा ये डिफरेंस कितना है मैं कुछ डेटा आपको दे रहा हूं, आपको डेटा याद नहीं करने उससे रियलाइज करना है कि ये है क्या। देखिए अब बेटा एक बात सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो कितना है, क्यों ऐसा हुआ कि यहां पर हमारे कॉम्बिनेशन sp में होता है और इसमें sp कॉम्बिनेशन नहीं होता है। देखिए यहाँ S और P के बीच में डिफरेंस बहुत छोटा है 1.8, दिस इज 2.8, 4.9, 5.5, 6, उसके बाद 15, 20, 26, ये डिफरेंस यहाँ बहुत बड़ा जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि फिर इनके कॉम्बिनेशन को करा पाना, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि ऑर्बिटल जो कब कंबाइन करते हैं जब उनकी सिमेट्री सेम हो और जब उनकी एनर्जी लगभग सेम हो या इक्वल हो। ओके तो इसलिए बेटा ये तो अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि चलो सर ठीक है कि हमने मान लिया कि यहाँ 2s 2p कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो बेटा 2s 2p कॉम्बिनेशन से क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में 2s 2p के कॉम्बिनेशन से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो होता है एनर्जी लेवल्स वो चेंज हो जाता है, वो कुछ अलग ढंग से होता है, कैसे जरा इसको भी सुनिए, हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। जैसे ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर
सात या सात से कम है, क्योंकि यहां एसपी कॉम्बिनेशंस, हाँ बेटा, यहां पर एसपी कॉम्बिनेशन होता है, तो एसपी कॉम्बिनेशन होने से, यानी कि ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं ना बेटा, ये एक्चुअली ये एसपी कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, और ये जो आपकी ऑर्बिटल बन रही है ये भी आपकी एसपी कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, ओके। और एसपी कॉम्बिनेशन से क्योंकि बनती, तो फिर इनकी एनर्जी, इनकी एनर्जी से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो यह कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो इस तरीके से। अब देखिए 2014 के अंदर एडवांस ने क्वेश्चन पूछा कि यदि इस एक कंपाउंड C2 के अंदर एसपी कॉम्बिनेशन ना हो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक। तो हमें बेटा ये जब तक जानकारी नहीं होगी कि कॉम्बिनेशन से क्या फर्क पड़ता है, तब तक बेटा IIT 2014 का क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे सकते थे। मैं अभी वो, कल अगला लेक्चर है तो मैं उसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस कैसे होना है, ओके। तो ये बेटा हमारे, अच्छा अब बच्चे कहते हैं कि सर ये जो दोनों को आपने कैसे लिखा है, एक लेवल पे लिखा है, इन दोनों को भी एक लेवल पे लिखा है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज याद रखिए, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। इन दोनों की एनर्जी भी क्या है, सेम। तो बेटा इन दो ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डी जेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज डी जेनरेट, ये भी आपके डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, ओके, ठीक। चलिए तो अब बेटा ये आपका एनर्जी जो ऑर्बिटल्स है, मतलब जैसे आप लिखते हैं ना बेटा कि 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की ज्यादा होती है, 2p की ज्यादा, फिर 3s, फिर 3p, बिल्कुल उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बताई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, यहां पर हमारे पास तीन रूल्स लगते हैं। यदि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो तीन रूल्स हमें बताए जाते हैं। वो कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसमें पहला रूल सिखाया जाता है हाफ बाउ, दूसरा सिखाया जाता है पोली, और तीसरा हंट्स। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो तीन रूल्स एटम पे लगते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी, वो तीनों रूल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले अब बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिल इन मोलिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू नंबर वन हाफ बाउ प्रिंसिपल, नंबर सेकेंड हंट्स रूल, नंबर थर्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए तो बेटा जो रूल्स हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे लगते हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे भी लगते हैं। जैसे अब हाफ बाउ ये कहता है बेटा कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बेटा सबसे पहले फिलिंग करूंगा तो यहां करूंगा, ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसके बाद यहां फिल करूंगा, फिर इसके बाद यहां फिल करूंगा, फिर यहां फिल करूंगा, ओके। हंस ये कहता है कि जब तक सभी डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले बेटा मैं इलेक्ट्रॉन यहां डालूंगा, फिर यहां डालूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन यदि है तो फिर यहां और फिर यहां, ओके, बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे होगा, ये बात भी जरा समझने लायक है। उसके बाद बेटा पॉली ये कहते हैं बेटा कि जैसे दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, आप यहां देखेंगे जब यहां पे आप इसको थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स इस पे लगाएंगे तो आप पाएंगे बेटा यहां कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हैं जिनकी चारों क्वांटम नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें तो भैया एक ऑर्बिटल में दो हो सकते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, सेम स्पिन नहीं होगी, तो इसका मतलब ये।
तो अब ये जो रूल्स है, यदि आपको हम B2 का कॉन्फ़िगरेशन जैसे बोलें, तो जैसे B2 है, अब B2 का कॉन्फ़िगरेशन बोलने पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, 2, 4, 6, 8, एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डाल दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ कर दूंगा, दिस इज B2। आपने कहा नहीं सर हमें O2 का कॉन्फ़िगरेशन कहिए, क्योंकि O2 में तो SP कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो अब आप यहाँ आ जाइएगा 2, 4, 6, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन O2 के पास 16 है, और ये कितने हो गए बेटा 10, 10 और 2 12, 14, 15 और 1 16, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। आपने मुझे कहा कि सर मुझे नाइट्रोजन का बताना है, तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो अब आप क्या करोगे बेटा 2 यहां फिल कर दो, 2 यहां फिल कर दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 यहां आ जाएंगे 14। आप कह रहे हैं कि सर हम F2 का चाहते हैं, F2 का, तो बेटा F2 में तो कॉम्बिनेशन नहीं होना, तो उसको आप यहां करिएगा 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 16 आप कर चुके हैं, ये हो गया 17, ये 18, ठीक, तो ये 18 का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर चलिए ठीक है, मान लो NO हो जाए तो क्या करोगे? देखिए बेटा NO जो है, मैंने आपसे क्या कहा था कि NO में भी SP कॉम्बिनेशन तो नहीं होता है, तो जब SP कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, इससे होगा। तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो ये आपका 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ 0, दिस इज NO। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा अब ये आपका ये पार्ट, अब हम आपको अगले पार्ट थर्ड में हम आपको सिखाएंगे मोलिकुलर बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो पार्ट थर्ड है जो आपको कल की वीडियो में मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ आप करें। तो आज इतना इसको समझ लिया होगा आपने और बहुत इंजॉय भी किया होगा, मुझे तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा ये ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू बेटा।